हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे रिमोट कंट्रोलिंग हाइलोजन के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैंने एक हाइलोजन बनाया है जो कि मॉडल के रूप में मैंने बनाया था अपने कॉलेज के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है एलईडी वाला जो आता है, ड्यूबी टाइप वाला एलईडी, उसी का ये पट्टी है। ठीक है, ये जो एक पत्ती है, एक गोला सा, एक एलईडी है, और ये एक एलईडी 7 वाट का है। ठीक है, तो ये मेरा है रिमोट कंट्रोलिंग 150 वाट हाइलोजन। ठीक है, ये जो 500 वाट का होता है और 1000 वाट का जो हाइलोजन आता है, उससे मतलब वो सस्ता तो मिलता है, लेकिन वाटेज खर्च उसमें ज़्यादा आता है, तो ज़्यादा हमको वो कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन ये थोड़ा सा मेरे को महंगा पड़ेगा, जैसे 300 400 रुपये का पड़ेगा। लेकिन ये जो है कि मेरा मतलब कि बहुत ही अच्छा है, और 150 वाट में मात्र बहुत ही अच्छी रोशनी करता है। और इसको मैंने एक अच्छा डिजिटलाइज कर दिया है, इसमें मैंने एक रिमोट कंट्रोलिंग व्यवस्था दे दिया है जो कि रिमोट से भी आना होता है। आप देख सकते हैं, ये है इसका रिमोट। ठीक है फ्रेंड, ये इसका रिमोट है, और ये मेरा थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, तो अंदर से तो उसके रिमोट का जो किट मैंने बनाया है, उसको चलाने के लिए मैंने अलग से बैटरी जोड़ने के लिए यहाँ पे मैंने निकाला है अभी तुरंत। तो अभी तुरंत वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी में ये कर दिया है। वैसे इसको अंदर से कनेक्शन करके कर सकते हैं, अंदर बाहर से बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिमोट कंट्रोलिंग हाइलोजन है, और ये हाइलोजन जैसे ये स्विच है, ये भी स्विच है, ये पुशपुल स्विच है, जिसको कि ऑन ऑफ करके हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं एलईडी को। और इसके ऊपर एक रिफ्लेक्टर लगाना है, तो इस रिफ्लेक्टर को भी हम लगा सकते हैं। अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं लगा दूंगा इस पर, वैसे फिलहाल में मेरे को कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। रिफ्लेक्टर लगा देंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। ठीक है, और ये मैंने एक एल्युमिनियम का एक चादर खरीदा है, ये पूरा एल्युमिनियम है। ठीक है, ये ना समझे कि नहीं वो सनमाइका ही है, सनमाइका नहीं है, ये पूरा एल्युमिनियम है, जिससे कि ये हीटिंग जो होगा, ये पूरा हीट जो होगा, ये पूरे एल्युमिनियम पर फैल जाएगा हीटिंग, तो इस प्रकार से ये ठंडा कर देगा उसको, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा। और इस पर मैंने चेक किया था ना, इस पर कोई भी मेरा मतलब लीकेज करंट कोई भी नहीं आ रहा है। तो ये मेरा 150 वाट हाइलोजन है। इसको मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये देखिए, हम लोग 3 लोग थे उस मॉडल प्रतियोगिता में, जिसमें चंद्रमणि और महेश शुक्ल और अमित कुमार हैं, तो तीनों लोग थे। और मेरा नाम चंदू है, मतलब चंद्रमणि, और मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल चंदू के नाम से, तो आप लोग टेक्निकल चंदू यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तो आप लोगों को अगर कोई भी मॉडल बनवाना है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा अपना नंबर, तो आप मेरे यहाँ मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा देख सकते हैं, ये बहुत ही सस्ते में बन जाता है, ये मेरे को मार्केट में ऐसे तो मिलता है, ये 10 से 12 रुपए में मिल जाता है, तो इससे 10-12 रुपए का ये मिल जाता है। तो ये पूरा मैंने ये लगाया हुआ है, इस प्रकार से मेरा मैंने सारा टॉलरेंस देख के 150 वाट मेरा आया, तो उसको मैंने इस पर नोट कर दिया। ठीक है, तो मैं इसको पहले आपको जला के दिखाता हूँ कि कैसे जलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो है HT कनेक्टर लगा हुआ है, ठीक है, इनपुट धारा देने के लिए। तो यहाँ इसको हम इस बोर्ड से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले बोर्ड में कनेक्ट कर दे, ये देख लीजिए, ये स्विच जो है, ये स्विच ऑन था इसलिए जल रहा है, ये देखिए बंद हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं इसको टच भी कर रहा हूँ, तो इधर मेरे को कोई सा झटका लगने का चांसेस नहीं है। ठीक है, झटका नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये जो है, ये पॉइंट जो है, इन पॉइंटों पे अगर मैं टच करता हूँ, तो मेरे को झटका लगने का चांस है। वैसे मैंने इस पर फेविकोल गिरा दिया है, जैसे कि वो हो गया है, कोडेड हो गया है, तो कम है चांस है झटका लगने का। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं आपको स्विचिंग से दिखा देता हूँ। ये जो स्विच है, मैं इसको ऑन करूँगा, तो बहुत ही अच्छा प्रकाश दे रहा है, ये आप इसको देख सकते हैं, ये देख लीजिए आप, बहुत ही अच्छा प्रकाश देता है। आपको फ़ोन में तो थोड़ा सा अजीब दिखेगा, लेकिन आप इसको अगर रियल में देखेंगे तो बहुत ही अच्छा देख सकते हैं आप। इधर देखिए कितना उजाला हो गया है पूरा, हाँ, इस प्रकार से ये बहुत ही अच्छा प्रकाश देखें। इसको बंद करने के बाद देखिए क्या होगा, देखिए ये मेरा दूसरा LED जल रहा है, इसलिए वैसा जल, इतना उतना प्रकाश है, नहीं तो नहीं होता। देखिए बहुत ही अच्छा प्रकाश देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा 150 वाट में बहुत ही अच्छी रोशनी मेरे को प्राप्त हो जाती है। और अगर जैसे मेरे को स्विच से नहीं ऑन करना है, कहीं मैंने को टांग दिया इसको, ठीक है, तो अगर दूर से मेरे को ऑन करना है, तो ये देखिए, ये मेरा जो रिमोट है, ये इसको 30 से 35 मीटर 40 मीटर दूर से भी इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जैसे ये स्विच है, और इसमें रिमोट में मैंने ये चार्जिंग व्यवस्था दिया है, चार्जिंग पिन दिया है यहाँ पर, और ये इंडिकेटर है जो चार्जिंग के टाइम इंडिकेटर जलेगा, और इसमें बैटरी लगा हुआ है, एक नोकिया साइज की बैटरी मैंने लगाई है, छोटा सा रिमोट मैंने अपने हाथों से बनाया है इसको, और इसमें जो कि रिमोट जो व्यवस्था देना है, रिमोट को मतलब जो जिस IC से मैंने बनाया है, उस IC का नंबर है 4017 IC। ठीक है, तो उस IC से आप भी इसको रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम बना सकते हैं, बहुत ही आसान है रिमोट कंट्रोलिंग सिस्टम बनाना। उस IC के बारे में आप नेट पर सर्च करके देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको उसके बारे में कोई जानकारी लेनी होगी, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसके बारे में सारा कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस रिमोट से मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए मैंने ऑन ऑफ किया, नहीं हुआ। ठीक है, लेकिन अब देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो है, ये
ये बैटरी जो है यहाँ पे लगाना है, ठीक है। मैंने अदर बाहर से निकाला है इसको, क्या करना है कि अंदर से ख़राब हो गया था इसीलिए प्रॉब्लम हो गई थी। अब इसको देखिए, मैं यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, आपको इस वीडियो में दिखाने के लिए, नहीं तो फिर अगर उसको बनाना होगा तो मैं उसमें थोड़ा सा एक रेक्टिफायर लगा करके, एक ट्रांसफार्मर लगा करके बना दूँगा, ठीक है। तो अब देखिए, मैं अगर रिमोट से ऑन ऑफ करता हूँ तो ऑन होगा, देखिए ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया, फिर ऑन हो गया, फिर ऑफ हो गया। इसको मैं मतलब कि 30 से 35 मीटर दूर से भी ऑन या ऑफ कर सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड, देख सकते हैं आप। देखिए तो इसको हम कहीं से भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इस प्रकार से है मेरा ये रिमोट कंट्रोलिंग हाइलोजन, ठीक है, धन्यवाद।